चले यार, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर वन आपके पास कुछ इस प्रकार से है आज का। एन रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल विथ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इन द रेशियो 2:3 एंड एरिया 216 इज कन्वर्टेड इनटू अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर अगर हम आपसे बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी लेंथ कहीं ना कहीं 2x मानी जानी चाहिए, ब्रेथ कहीं ना कहीं 3x मानी जानी चाहिए, और अगर हम बात करें एरिया होता ही क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 216, 6x² इज इक्वल टू कितना 216, शायद x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 एंड x इज इक्वल टू कितना 6। तो सर लेंथ कितनी होगी, शर्ट 12 मतलब लेंथ या ब्रेथ से मानो, और ब्रेथ कितनी होगी 18, लेंथ इज 12 एंड ब्रेथ इज 18। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर इसके अंदर, अगर अपन लेंथ इज 12 एंड ब्रेथ इज 18, अब ये जो रेक्टेंगल था इसको बाहर से कन्वर्ट कर दिया काय में इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सर ये बात भी फिर जानने की हो जाएगी कि इसकी लेंथ तो समझो 18 है और ब्रेथ कितनी है 12, तो जो इसका पेरीमीटर होगा और नीचे का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा सेम। तो सर ये आपने नई बात बता रहे हो, मैंने बोला हाँ तो तुम ढंग से देखोगे तो दोनों का पेरीमीटर क्या होना चाहिए सेम, क्योंकि बाहर की वायर तो उतनी सेम है ना। तो सर दोनों का पेरीमीटर क्या होना चाहिए सेम। तो कैन वी से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 2 × 18 + 12 इज इक्वल टू 3 × साइड, तो 2 × 30 इज इक्वल टू 3a, यहाँ ये 1 और यहाँ पे कितना 10, तो a इज इक्वल टू कितना 20। सर आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी आ गई 20। ऐसे केस में एरिया कितना हो जाए, ऐसे केस में एरिया हो जाएगा √3/4a², या ढंग से बोलो तो √3/4 × 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, तो 100√3 इज द आंसर, 173 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, देखो समझो, हो जाए तो चैट में बाय। अगर क्वेश्चन लेके चलो तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विथ इट्स पैरेलल साइड्स एज 10 और 8 एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज 5, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज 5। देखो सर ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो b1 b2 × कितना होती है 5, तो हाफ 10 + 8 × 5, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया याद दिलाना था आपको, बाकी तो कुछ नहीं। तो 45 इसका आंसर आ जाए। सर अगर मैं मान लो बात करूं अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द डायमेंशन, अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द डायमेंशन 30/20 इज देयर एंड पैरेलल रोड्स ऑफ द विड्थ 5 मीटर आर रनिंग अक्रॉस इट। फाइंड द
एरिया ऑफ गार्डनिंग, एरिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द रिमेनिंग एरिया, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग रिमेनिंग एरिया एट द रेट ऑफ 20 पर स्क्वायर मीटर. शेडेड रीजन जो गार्डनिंग के लिए निकालना है वो जलाए. इसका कहीं ना कहीं ये रोड वन है, ये रोड टू है. रोड वन की अगर मैं लेंथ देखूं तो ये थी जा रही 30 और ब्रेड कितनी जा रही है 5. रोड टू की अगर अपन बात करें तो इसकी ये जो है वो कितनी है 20, ये दिख रहा नहीं है पर 20 है और ये कितना है 5. लेकिन ये जो कॉमन रीजन है ना दोस्तों, ये दो बार काउंट हो जा रहा है, मतलब इस रोड के साथ भी और उस रोड के साथ भी. तो क्योंकि ये दो बार काउंट हो रहा है इसलिए इसको एक बार हटाएंगे. इसका लेंथ ऑफ ब्रेड क्या होगा 5/5, ये भी 5 और ये भी कितना है 5. तो सर ऐसे में अगर मुझसे कोई मुझे एरिया ऑफ रोड दिखता है तो मैं उसको बोलूंगा एरिया ऑफ रोड निकालना हो तो देखो करना पड़ेगा रोड वन प्लस रोड टू माइनस कौन सा रीजन, कॉमन रीजन. अगर देखो करना हो रोड वन तो सर व्हाट इज रोड वन, रोड वन इज 30/5, रोड टू इज 20/5 माइनस कॉमन रीजन इज 5/5 तो 150 + 100 माइनस कितना 25 तो 225 आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ रोड, क्या आ गया एरिया ऑफ रोड. कभी ऐसा बोला होता रोड बनाने के लिए कुछ कॉस्ट निकालनी है तो आप डायरेक्टली 225 को मल्टीप्लाई, बट आपसे रोड बनाने की कॉस्ट नहीं पूछी, आपसे गार्डनिंग करने की कॉस्ट पूछी. सर एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालोगे, मतलब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या हटा दो रोड. तो सर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 30/20 लेंथ इनटू ब्रेड, क्योंकि ब्रेड कितनी है इसकी 20 माइनस रोड्स, रोड्स कितने हो गए 225, 600 - 225 इज 375. नाउ दिस दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट गार्डन, और गार्डन को किस रेट से करना है 20 रुपए. द आंसर इज 375 × 20 आई सपोज 7500, 7500 गार्डन बनाने की कॉस्ट आएगी. ठीक है क्या था, तो इजी अगर अपन देखें तो. चलो अब एक क्वेश्चन है, अपाथ 6 meter wide अलोंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose perimeter is 80 and length and breadth are in the ratio 7:3 is to be constructed at the rate of 12.5 per square meter, per meter square. Find the cost. चले ये जरा वाइड है तो अगर अपन बात करें कि सर आप चाहते क्या हो, मैं ना देखो यार पेरीमीटर का तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B that is equal to what 80, 2 × 7x + 3x is equal to कितना 80. तो मंजा कि 7:3 इनका लेंथ और ब्रेड का रेशियो 40, तो शायद 10x is equal to 40 और x is equal to आ गया 4. तो सर लेंथ हो गई 7x मतलब 7 × 4 that is 28 और ब्रेड हो गई 3 × 4 that is equal to कितना 12. तो सर ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो आपका रेक्टेंगुलर गार्डन बन रहा है उसकी लेंथ और ब्रेड हमारे पास आ चुकी है जो कि 28 और 12 है. अब इसके बाहर 5 meter wide का 6 meter wide
आप एक ट्रैक बना रहे, मतलब 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, मतलब इसके बाहर शायद 6 6 मीटर रहेगा। सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 6, तो 12 प्लस 6 6 कितना हो गया, मतलब 24 हो जाएगा। ऐसे में 24 हो जाएगा सर, ऐसे में तो 28 प्लस 6 प्लस 6 तो ऐसे में शायद 40 हो जाएगा, 28 प्लस 6 प्लस 6 और ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 तो 12 प्लस 6 और प्लस 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। सर रोड कौन सा है याला, तो सर रोड का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो अगर अपन बात करें बिगर रेक्टेंगल माइनस व्हाट स्मॉलर रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 40 इंटू 24, स्मॉलर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो स्मॉलर इज 28 इंटू 12। तो अब देख लो भाई किसमें से कितना कॉमन ले सकते हो, मेरे को तो लग रहा है 16 कॉमन आ सकता है, फिर भी अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना हो तो कहीं ना कहीं 960 माइनस शायद कुछ 336, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया, उस एरिया को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 12.5। तो 960 माइनस 336 करोगे आपको क्या आ जाएगा एरिया, दैट इज समथिंग शायद 674 इन 624 बच्चे बोल रहे हैं, तो अगर अपन बात करें 624 एंड दैट 624 भी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 12.5, सो यू विल बी गेटिंग योर कॉस्ट व्हाटएवर बी द कॉस्ट। ठीक, अब आपसे कुछ ऐसा बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसी का डिजाइन घर के डिजाइन का आउटले, अगर बात करें तो ये घर के डिजाइन है, आपको बाकी बचे हुए शेडेड रीजन को पेंट कराना है एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया। चले दोस्तों, शायद ये अगर अपन बात करें सेक्टर्स है, वर्चुअली समझ में आ रहा है कि ये 5 है ये 5, तो 4 इंटू पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालो, ये एक सेक्टर है कि 4 सेक्टर है, 4 है, तो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, तो सर 4 इंटू 90 बाय 360 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 क्योंकि पूरा 10 है, तो ये 5 है ये भी 5 है और ये भी कितना है 5, 1/4 कहीं ना कहीं ये आ जाएगा आपके पास 25 into 3.14 जो भी आया आपके पास 78.5। नाउ दिस इज द सेक्टर्स का एरिया, सर ये दो खिड़कियां हैं तो विंडोज का एरिया कितना होगा, सर स्क्वायर शेप की दिख रही है 1 into 1 की दो है तो हो जाएंगे 2, फिर आपके पास ये दरवाजा है डोर, तो डोर का एरिया कितना हो गया 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये जो भी चीजें हैं इन सब का मिला के एरिया शायद 83.5 हो गया। अब आपको जो शेडेड रीजन चाहिए वो उसके अलावा चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूंगा तो सर हम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या कर देंगे 83.5 जो अभी तक निकाला अपन, ठीक है अच्छा 15 इंटू 10 माइनस 83.5 दैट इज इक्वल टू व्हाट 66.5। नाउ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 15, सर जो भी है सर क्वेश्चन तो अच्छा था, मैंने बोला हाँ यार क्वेश्चन तो अच्छा था, अगर अपन बात करें
66.5 इंटू कितना 15, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन काफी काम का है और दिल के करीब भी है कि देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ओ ए बी सी इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। दोस्तों वैसे तो ये आर है, ये भी आर है, मतलब ये 10 है, ये भी 10 है और रोम्बस है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, शायद ये भी 10 है। अब करने को तो तबचे कर सकते, पहली बात बहुत सिंपल जाना हो तो सर कहीं ना कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 100 इंटू 2 तो 1 ये 2 इट वुड बी 50 रूट 3। ठीक है सर, अगर इसको अलग ढंग से भी देखना हो तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट कीजिए तो आप चाहते तो ये 5 हो जाता और ये क्या हो जाता 5 और इसको 90 होता, तो पाइथागोरस से आप ये निकाल देते, मतलब आप लिख सकते कि जो दूसरा डायगोनल का पार्ट ये x, आप लिख लेते x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर वुड बी 75, गेटिंग इट, तो x इज इक्वल टू आता रूट 75 जो कि वर्चुअली 5 रूट 3 होता, तो अगर x ये 5 रूट 3 है तो बचा हुआ x भी क्या होता 5 रूट 3, तो इसका मतलब इसका दूसरा डायगोनल जो होता वो कितना हो जाता डायगोनल 2 वो जाता 10 रूट 3। देन एरिया ऑफ रोम्बस आपने और मैंने ये भी पढ़ा है हाफ D1 into D2, so it would be half D1 कितना होता 10 root 3 और D2 कितना होता 10, so it would be 50 root 3। ठीक है तो सर अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला मुझे तो अच्छा लगा और बढ़िया, मतलब दिमाग को थोड़ा सा यूटिलाइज करने वाला क्वेश्चन था। अगर अपन अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों तो कुछ नहीं, फाइंड ऑल्टीट्यूड of a triangle with find altitude of a triangle with base 8 when its sides are 5 8 and 7 चलें दोस्तों अब इसका गेम क्या चलता है। देखो यार एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल को आपको बेस 8 से इसका ऑल्टीट्यूड निकालना, ठीक है ये 5 है ये 7 है मान लो, आपको कहीं ना कहीं ए डी निकालना है, ठीक है तो सर आप चाहते क्या। मैंने बोला यार कि एस इज इक्वल टू 8 प्लस 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10, और सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये भी होता था ना जो आपने और मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं अंडर रूट ऑफ कितना एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता सर कहीं ना कहीं वो हो जाता कुछ ऐसा 10 10 माइनस 8 10 माइनस 5 10 माइनस 7 सर ये भी अच्छा है। मैंने बोला हाँ अच्छा तो है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको अपन देखें और समझें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। वाओ सर ये तो 10 हो गया, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 की जोड़ी बन गई तो वो तो आ गया 10 रूट विच कैन बी कॉल्ड एज हाफ बेस इंटू हाइट एज वेल, जहां पे बेस कितना माना जाएगा 8 और हाइट मानी जाएगी 80, तो सर इसको भेज दो उधर, ठीक है तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू बेस, बेस इज वॉट 8 इंटू वॉट हाइट, तो ये 4 5 ये 4 2
हाइट ऑफ दिस वुड बी 5/2 √3. हाइट ऑफ दिस वुड बी व्हाट? 5/2 √3. सो देखो क्वेश्चन तो अच्छा था, मैंने बोला हाँ मतलब एरोस लगाना था. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप अटक जाओगे, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर ठीक है, सर क्वेश्चन कैसा है? मैंने बोला देखो ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नया क्वेश्चन है. फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन if the side of the square is 14. भी देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना, किस चीज का एरिया निकालना चाहिए आपको, निकालना चाहिए शेड ये 1 का 2 का 3 का और 4 का पहले. अभी सर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिगर को अलग नजर से देखना पड़ेगा, हम हर किसी को एक ही नजर से नहीं देख सकते. कोई माँ के रूप में आती है, कोई बहन के रूप, आप सबको गर्लफ्रेंड मान लोगे तो कैसे. तो अगर अपन बात करें अच्छे से कि इसको यूं देखें, चलो ये 14 तो है सर, अगर ये कुछ इस प्रकार का है, यहां से सेमी सर्कल बना था और यहां से सेमी सर्कल बना था, तो सर यहां से आप 3 और 4 वाले का एरिया निकाल सकते. अगर मुझसे पूछे रीजन 3 + रीजन 4 का एरिया कितना है, तो मैं तो बोल दूंगा स्क्वायर का एरिया माइनस 2 सेमी सर्कल. 2 सेमी सर्कल या 1 सर्कल बोल दो भाई, ये भी सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 14 है, इसका भी डायमीटर कितना है 14, मतलब रेडियस कितना होगा 7, तो माइनस कितना सर्कल, क्योंकि ऊपर का भी एक भाई आधा सेमी सर्कल और आधा सेमी सर्कल. सर स्क्वायर का एरिया कितना होता है 14 × 14, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 × 14 × 14. सर बात तो खैर सही है, अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं सॉरी × 7 × 7 है, रेडियस तो 7 ही है ना, रेडियस कितना है 7. सर 1 7 से 1 7 तो कट गया, इट इज 196 - 154. तो 196 - 154 कितना हो जाएगा आपके पास, कहीं ना कहीं शायद 42. सर जो रीजन 3 और रीजन 4 आया ना, वैसे ही आप चाहो ना तो रीजन 1 और रीजन 2 भी निकाल सकते. सर कैसे? ऐसे में अपन सेमी सर्कल यहां से बना लेंगे, क्या बोलते हो? रीजन 1 और रीजन 2 सर, लेकिन जो रीजन 3 और रीजन 4 आया है वही रीजन 1 और रीजन 2 भी आएगा, तो रीजन 1 + रीजन 2 भी हम क्या मान सकते हैं 42. रीजन 1 + रीजन 2 भी हम क्या मान सकते हैं 42. तो सर अल्टीमेटली इस फुलवाड़ी का एरिया कैसे हो जो आपको शेडेड बोला है, मैं बोलूंगा पूरे स्क्वायर में से अगर 1 2 3 4 हटा दूं तो फुलवाड़ी आ जाएगी. पूरे स्क्वायर में से अगर 1 2 3 4 हटा दूं तो क्या आ जाएगी? फुलवाड़ी. इन दैट सेंस अगर अपन बात करें शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस रीजन 1 + 2 + 3 + 4. सर स्क्वायर का एरिया कितना हुआ 14 × 14, और रीजन 1 2 3 4 कितना है 42 प्लस, तो 196 - 84 दैट इज इक्वल टू 112 इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन. थोड़ा रुकने का प्रस्ताव ले रहा हूं,